हैदराबाद पर आतंकवादियों का हमला हुआ तो पुराने जख्म भी हरे हुए। शांति और अमन के लिए बच्चों के हाथ उठे तो वो लोग भी हैदराबाद के लिए दुआएं करते नजर आए जिनका इस दर्द से कोई वास्ता नहीं है। ये नन्हे हाथ दुआओं के लिए उठे, ये प्रार्थना है शांति की, दाता से दुआ शक्ति की। भाग्य विधाता से दुआ शांति की, अमन की। जी हां, बेइंतहा दर्द की इस घड़ी में पूरा देश हैदराबाद के साथ है। हाथों में शांति, अमन और श्रद्धांजलि का संदेश, लेकिन दिल में बेइंतहा दर्द और होठों पर प्रार्थना के सुर। हैदराबाद का दर्द कम करने की प्रार्थना करते ये मासूम बच्चे अहमदाबाद के एक स्कूल के हैं और आज इनके दिल से सिर्फ एक आवाज आ रही है। ये प्रार्थना उन लोगों के लिए है जिन्हें आतंकियों ने जिंदगी भर का गम दे दिया। दुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया। श्रद्धांजलि उन लोगों को जो अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। मासूम बच्चों की इस प्रार्थना सभा को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। हैदराबाद में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश के साथ इन मासूम बच्चों को भी झकझोर कर रख दिया है और ये इस आतंकी वारदात से काफी आहत हुए हैं। आतंकवादियों ने ये जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइक लोगों को, इनोसेंट लोगों को ऐसे ही लोग मर जाते हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, एंड स्टिल उन लोगों को इसकी गलती मिल रही है। सो मैं आतंकवादियों को कहना चाहूंगी, जो लोग बेकसूर है उनको क्यों आप गलती दे रहे हैं। बच्चों की प्रार्थना सभा में स्कूल के शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया और बम धमाके की निंदा की। और बहुत दुख की बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग ऐसी सब घटनाएं करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, इनोसेंट लोग मरते हैं इसमें, और इसमें जो जिसकी कोई गलती नहीं है उन लोग विक्टिम होते हैं। तो हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन बच्चों की तरह आज देश का हर बच्चा बस यही दुआ कर रहा है कि हैदराबाद पर छाया दर्द का बादल जल्द से जल्द दूर हो जाए। भगवान करे इन बच्चों की दुआ कबूल हो और बेइंतहा दर्द का ये दिन फिर किसी को न देखना पड़े जो हैदराबाद ने देखा है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।